नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार। स्वागत करता हूं एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बेस्ट प्रेडिक्शन देने वाला हूं, बेस्ट वन साइड व्यू प्रेडिक्शन देने वाला हूं कल के लिए, कल दैट मींस 1st of September के लिए। अच्छा, पहले बात कर लेता हूं हमारे प्रीवियस वीडियो की। जबरदस्त, मैंने क्या बताया था आज के लिए, ध्यान है आपको, मैंने बताया था वन साइड मैंने व्यू दिया था कि डंके की चोट पे पुट ऑप्शन जैकपॉट बनेगा। मैंने उछाल में बिकवाली करने के बोला था करीबन 44,400 के आसपास। आज बैंक निफ्टी 44,400 के आसपास गया और वहां से बैंक निफ्टी ने 43,900 का लो लगाया। वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस रही हमारी। इसी के साथ मैंने यूट्यूब पे मैंने 2 पुट ऑप्शन ट्रेड दिए थे, 44,600 पुट ऑप्शन और 44,400 पुट ऑप्शन। यू वॉन्ट बिलीव इट ट्रेडर्स, दोनों ने 150 पॉइंट्स का आपको गेन दिया है आज के सेशन में। आज की वीडियो भी बेस्ट होगी और इतना मैं डंके की चोट पे बोल दूं, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में भी मैंने बेस्ट कल के लिए 3 जैकपॉट ऑप्शन ट्रेड बताए हैं, बेस्ट व्यू दिया है वो भी वन साइड, ठीक है। और अच्छा, आज मैं यूट्यूब पे लाइव गया था, हमने 2 ट्रेड किए, दोनों में पैसा बनाया जबरदस्त वाला। देखो मेरे, मैं अपना पूरा जी जल लगा के आप लोगों को बढ़िया ट्रेड देता हूं, सिखाता हूं, यूट्यूब पे लाइव पैसा बनवाता हूं, लेकिन इसके बदले मुझे बस क्या चाहिए पता है, लाइक्स चाहिए और आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, राइट। काफी लोग बोलते हैं लाइक लेके क्या करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखो कुछ महीने से, अभी कुछ हफ्ते से लाइक्स नहीं आ रहे हैं उतने, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मेरा जिम्मेदारी है पैसा बनवाना, सिखाना, कर रहा हूं, आप लोगों का क्या जिम्मेदारी है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। आज का लाइक एम रखते हैं 8,000, कमेंट एम रखते हैं 800+, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है जबरदस्त वाली, ठीक है। और इसी के साथ हमने 2 स्टॉक भी डिस्कस किया है। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारा पुराना टेलीग्राम चैनल था वो हैक हो चुका है, नए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। सो भाई वीडियो को पूरा देखिएगा, टिप्स के लिए मत आइएगा, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तभी आपको मजा आने वाला है, ठीक है। चलो जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइस, बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुका हूं मैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मेरी कल वाली वीडियो जाके देखिए, मैंने आज के लिए बोला था सिंगल साइड बैंक निफ्टी पुट के साइड जाएगा, गिरेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ है। 350 पॉइंट बैंक निफ्टी में फॉल आया है, मैंने बोला था पी बनेगा जैकपॉट। ये मेरी वीडियो 43,000 लोगों ने देखी थी, सबने पैसा बनाया है, ठीक है। तो आज की वीडियो भी जबरदस्त होगी, देखते रहिएगा। और यार प्लीज जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर किया करो ताकि सब लोग फायदा उठा सके हमारी फ्री लर्निंग वीडियोस से। अब सुनिए, सो बैंक निफ्टी एज यूजुअल अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए नीचे जा रहा है, ठीक है। ध्यान है, ये हमारा डाउन ट्रेंड लाइन था, ठीक है, ध्यान होगा, ठीक है। और बार बार डाउन ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके नीचे जा रहा है, ठीक है। नीचे जा भी रहा था और नीचे अब जा भी रहा है। पिछली बार देख सकते हो, रेंज बनाया नीचे गिरा, रेंज बनाया नीचे गिरा, रेंज बनाया था, ब्रेकडाउन दे चुका, नीचे गिरेगा, ठीक है। तो कल के लिए मैं 70% कह लो, 70% मैं सेलिंग में हूं, राइट, 30% में मैं बाइंग में हूं थोड़ा सा, राइट। आइए देखते हैं सेलिंग कैसे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई देखो ये सपोर्ट तो हमारा तोड़ चुका है, जो कंसोलिडेशन था। अब अगर किसी में से उछाल मिलता है, R1 क्या होगा, देखो आज हमारा, आज का जो हमारा ये है ना, क्या कहते हैं एक तरीके से, जो हमारा एक तरीके से, तो देखिए R1 क्या होगा, ये वाला हमारा R1 होगा, बोले तो 44,200 का, ठीक है, 220 कर लेते हैं। R2 क्या होगा हमारा, देखो R2 ये होगा करीबन 44,320, ये रेजिस्टेंस 2 होगा। तो जी ये 2 रेजिस्टेंस जोन है, अगर यहाँ पे हमको बैंक निफ्टी गैप अप में मिलता है, बहुत तेज ऊपर चले जाता है, बाउंस देता है, शॉर्ट कवरिंग देता है, उस केस में हम सेल करके चलेंगे। देखो रणनीति वही है जो तरीके मैंने बताया। आज क्या हुआ, ध्यान दिए क्या हुआ, उछाल मिला, 400 के आसपास गया, ऑल द वे फॉर आया, राइट। तो ऊपर कैसे होगा सुनो, या तो यू कैन सी बेयरिश हैमर लाइक दिस, जैसी बेयरिश हैमर का लॉट उठेगा वी कैन गो सेल, और एल्स वी हैव टू वेट फॉर कंसोलिडेशन। मान लो ऊपर खुला, एक रेंज बनाएगा बनाएगा बनाएगा, रेंज का लोअर एंड टूटेगा, वी कैन गो शॉर्ट, ठीक है, या बहुत तेज फट 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 ऐसे ऊपर जाता है, ऊपर बेयरिश हैमर बनते हुए देखेगा, शॉर्ट करके चलना है, क्लियर है। मान लीजिए आपने 44,250 के आसपास आपने शॉर्ट सेल किया बैंक निफ्टी को, ये मिला आपको, ठीक है। तो टारगेट होगा 44,150, 44,000 सेकेंड टारगेट एंड 43,900। तो जी ये 3 टारगेट होगा। इस केस में यू कैन डू वन थिंग, 44,200 का आप लोग पी लेंगे, 7th of September वाली एक्सपायरी रहेगी बैंक निफ्टी का, ठीक है। ये आपको 220 से 230 के अबव लेना है, स्टॉप लॉस हो जाएगा 200 का, टारगेट होगा 260, 280 एंड 300।
होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है, ये रीजन है। देखो ध्यान रखो, अभी भी स्टिल लोग ना फंसे हुए हैं, कॉल ऑप्शन फंसे हुए हैं, कई लोगों के लॉन्ग पोजिशन फंसे हुए हैं। जैसे ही लोगों को दिखेगा कि अरे लगता है थोड़ा बाउंस मिल गया, लोग काट के निकलेंगे। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज क्या हुआ, बाउंस दिया करीबन 100 से लगभग 300 पॉइंट का बाउंस दिया। जितने लोग का पोजिशन फंसा होगा भैया, अब वो तो देखो काट के निकलेंगे ना, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो जो मिल जाए भैया वो लोग प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, काट छोटे मोटे लॉस में काट के निकल गए होंगे, एग्जिट कर दिए होंगे। जैसे एग्जिट किए सेलिंग हावी हो गई। तो भैया यही डिट्टो होने वाला है, लिख के ले लो। मैंने एक शब्द बोला था, डंके की चोट पे पी होगा डबल, एग्जैक्टली वही हुआ। ठीक है, देखो एनालिसिस करने में मेहनत लगती है, बस मैं यही चाहता हूँ आप लोग हमको सपोर्ट किया करो। अच्छा, बैंक निफ्टी लाइव ट्रेडिंग मेंटरशिप बैच का क्लास ना कल से स्टार्ट होने जा रहा है, लिमिटेड सीट्स हैं आज और बस कल रजिस्ट्रेशन होगा, अपनी सीट बुक करवा लीजिएगा। तो कंडीशन समझ चुके हैं पहला वाला, ठीक है, कि कैसे हमको सेल ऑन बाउंस एंड ऑल करके चलना है। समझना दूसरा, पैनिक सेलिंग कब आएगी। देखो पैनिक सेलिंग आएगी आज का जो डे लो बन चुका है इसके नीचे, ये बॉक्स पैटर्न जो है, यानी 43,900। आपको तो पता होना चाहिए जब भी पिछला डे लो तोड़ता है पैनिक सेलिंग आती है। आज भी क्या हुआ, पिछला डे लो तोड़ा, पैनिक सेलिंग आई, ठीक है, 44,130 के लेवल, तो 43,900 के नीचे पैनिक सेलिंग आएगी। 43,800 फर्स्ट टारगेट, 43,700 हमारा दूसरा टारगेट, ये दो हमारे लास्ट टारगेट हैं। मैंने 43,700 का टारगेट क्यों दिया, लेट मी टेल यू, उससे पहले अगर आपको प्रीमियम बैंक निफ्टी निफ्टी के ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है, तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारे लिंक के थ्रू आपको अकाउंट ओपन करना है, सच एज एंजल ब्रोकिंग, लाइस ब्लू, दोनों में से किसी एक में आपको अकाउंट ओपन करना है, फंड ऐड करना है, ट्रेड स्टार्ट करना है, देन दिए गए नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है, देन वी विल ऐड यू इन द प्रीमियम लर्निंग ग्रुप, जहां पे हम बढ़िया ट्रेड्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए। हर एक ट्रेड के पीछे का रीजन शो करता हूं ताकि आप लोग सीख सकें, ठीक है। आज का दिन बहुत ही शानदार रहा, प्रीमियम ग्रुप का स्क्रीनशॉट आप लोग सामने दिख रहे हैं, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो ये पैनिक सेलिंग होगा, पैनिक सेलिंग में कौन सा पुट ऑप्शन लोगे ये बता दूंगा वीडियो के एंड में, देखते रहिए, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अब बाइंग किस थोड़ा सा किस कंडीशन में हो सकता है समझिए। हालांकि मार्केट बहुत गिर गया है दो दिन में, ठीक है। तो एक चीज और है, एक आपको दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट पे भी खड़ा है बैंक निफ्टी, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और दो बार है सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट है 43,900 का, 43,900 का दो बार प्रयास किया तोड़ने का, नहीं तोड़ पाया, यानी हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये थोड़ा सा बच गया सपोर्ट तो हल्का फुल्का बाइंग देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए सुनिए, ठीक है, अगर ये बॉक्स पैटर्न, ये काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न भी है, बॉक्स पैटर्न भी है, और इसका रेजिस्टेंस है 44,100, अगर फ्लैट खुल के, देखो फ्लैट नॉर्मल बाय हमको कर, अगर बाय कर रहा है तो थोड़ा फ्लैट खुलना पड़ेगा, गैप अप एंड ऑल नहीं, ठीक है। तो फ्लैट खुल के अगर 44,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो हल्का फुल्का बाइंग आ सकता है केवल इंट्राडे के लिए, ठीक है। 44,200 एंड 44,330 का हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा, क्लियर है ना। ये मतलब देखो बाइंग में उतना कंफर्टेबल नहीं हूं, ठीक है, बाइंग केवल 300 पॉइंट की देखने को मिलेगी, मतलब 44,300 तक जा सकता है, दैट्स सो सिंपल। देखो जब बाइंग होगी तो 44,000 का आप लोग कॉल ऑप्शन ले लेना, 7th ऑफ सितंबर वाली एक्सपायरी, ये आपको लेना है 420 के ऊपर, स्टॉप लॉस हो जाएगा 400 का, टारगेट होगा 440 460 एंड 480, क्लियर है, यस है, ऐसे करके चलना है, आशा करता हूं समझ चुके हैं। तो मेरा जो ओवरऑल व्यू है सेलिंग का है, देखिए इतना तो मैं कंफर्म हूं, यूट्यूब पे देखो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बस आपको चीजें बता रहा हूं। कुछ लोग लिखते हैं अपने बारे में बड़ी बात करते हो, अरे मैं कुछ नहीं बात करता अपने बारे में, ठीक है, जितना मैं काम करता हूं YouTube पे इतना मैं डंके की चोट बोल दूं, आज के लिए किसी ने वन साइड व्यू नहीं दिया होगा, ठीक है, जाके देखिएगा। मैंने आपको साफ साफ बोला था मार्केट पी में जाएगा और पी में गया यार, तो रिसर्च में टाइम लगता है, मेहनत लगता है, बस यही चाहता हूँ कि आप लोग अप्रिशिएट करें, कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, बस आज वीडियो का लाइक एम हमारा 8,000 कंप्लीट हो जाने चाहिए जी, ठीक है, देखते हैं अगर होता है तो अच्छी बात है। समझते हैं चलो अब निफ्टी का। हाय गाइस, आपको पता है ज़ीरोधा के रिसर्च में ये आया है कि 98% 100 में से 98% जो ऑप्शन ट्रेडर है वो लॉस कर रहे हैं, बहुत ही कम यानी 2% के आसपास लोग पैसा बना पा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये क्यों होता है, रिसर्च में पाया गया ये क्यों होता है, क्योंकि लोग प्रॉपर एंट्री नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर एग्जिट नहीं ले पाते हैं, दिमाग में लेके चलते हैं कि मैं 20 पॉइंट के लॉस में निकल जाऊंगा, लेकिन वो 50-60-70 पॉइंट तक लॉस में होल्ड करते हैं, डर के मारे 15-20 पॉइंट प्रॉफिट में निकल जाते हैं, लेकिन वो जाता है 50-70 पॉइंट, राइट, ये है। कमाते हैं मॉर्निंग में 10,000, शाम तक होते होते 2,000 लॉस में चले जाते हैं, राइट ना। अच्छा, आज 4 दिन कमाते हैं, फ्राइडे को पूरा कमाई दे देते हैं और कैपिटल से भी हाथ धो देते हैं। ये सब कारणों से ऑप्शन ट्रेडर का लॉस होता है, और इसी चीज को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, मैं आप लोगों के लिए हमारा बैंक निफ्टी लाइव ट्रेडिंग मेंटरशिप बैच लेके आया हूं। देखो बाकी लोग जानते हैं, बाकी लोग जो नहीं जानते मैं बता दूं, इसमें
क्या होगा, 1 मंथ तक आप लोग मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करेंगे, मैं जो भी अपने पर्सनल ट्रेड्स लूंगा आपको शेयर करूंगा, परफेक्ट एंट्री बताऊंगा, एग्जिट बताऊंगा, टारगेट बताऊंगा, स्टॉप लॉस बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एक ट्रेड के पीछे का रीजन बताऊंगा, सो दैट यू कैन लर्न, ठीक है, कि वो ट्रेड क्यों लिया मैंने, क्या रीजन था, ताकि आप लोगों को मेरी आवश्यकता ना पड़े नेक्स्ट टाइम और आप खुद ट्रेड कर सकें। इतना मैं आपको डंके की चोट पे बोल दूं, अगर आप पूरा 1 मंथ इस क्लास में देते हैं, पूरा 1 मंथ का वैलिडिटी है, तो आपके ऑप्शंस के लॉसेस कवर हो जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं सामने से। बट हाँ, यू हैव टू फोकस ऑन द क्लासेस, राइट। प्राइस कितना जाना चाहोगे? 5,500 रुपीज, बट हमने 1,000 का ऑफ दिया, ये पड़ेगा आपको 4,500 रुपीज, राइट। अभी मैं रीजन शो करूंगा कि क्यों आप लोगों को और क्यों हर एक व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहिए मेंटरशिप बैच। अभी आप लोगों को फीडबैक शो करूंगा, वीडियो को पॉज करके एक एक फीडबैक को पढ़िएगा कि हमारे स्टूडेंट्स कितना जबरदस्त पैसा बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबको रिकमेंड करना चाहूंगा, ठीक है, चाहे आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, एडवांस है, सभी लोग बैच को ज्वाइन करें और मेरे साथ प्रॉफिट करें, ठीक है। चलिए, मैं आपको मिलता हूं 1st of September को, ठीक है। बाकी कुछ क्वायरी है, नीचे दिया गया नंबर है, इस पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। देखो जी, निफ्टी भी सपोर्ट पे आ चुका है, ठीक है, ये सपोर्ट है, बट निफ्टी में भी क्या सिनेरियो है, सुनो ध्यान से। निफ्टी हमारा अगर गैप अप एंड ऑल होता है, गैप अप बाउंस शॉर्ट, मतलब बहुत तेज ऊपर जाता है, वी कैन गो शॉर्ट। R1 क्या हो जाएगा, थोड़ा समझिए, हमारा रेजिस्टेंस वन क्या होगा, रेजिस्टेंस वन होगा 19,330, ठीक है। R2 क्या होगा, दिखा रहा हूँ, R2 हो जाएगा हमारा 19,380। अगर इसके आसपास हमको बेरिश हैमर बनते हुए दिखता है, लो तोड़ता, वी कैन गो शॉर्ट सेल, और एल्स यू कैन डू वन थिंग। सुनिए, ऊपर खुल गया, रेंज बना रहा, सेम बैंक निफ्टी की तरह, लोअर टूटेगा सेल करके चलना है, उस केस में 19,400 का आप लोग पुट ऑप्शन ले लीजिएगा 7th of September वाली एक्सपायरी। क्लियर है, सिंपल है। अच्छा, निफ्टी में पैनिक सेलिंग कब आएगा, जब देखो निफ्टी का ये लो नहीं तोड़ा है, नहीं टूट पा रहा है, कौन सा लो पता है आपको, 19,240 का, ध्यान है, 19,240 के नीचे पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा 19,180 एंड 19,140 के टारगेट के लिए। क्लियर है, चलो जी आगे चलते हैं, जान लेते हैं अपने स्टॉक्स, BSE और टाटा स्टील दो स्टॉक्स हैं। बट उससे पहले मैं आपको प्राउडली दिखाना चाहता हूं कि आज मैंने क्या फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड दिए थे PTS ऐप पे और टेलीग्राम पे। आज देखो पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, वीडियो लेंदी बन जाती है। तो देखो, हमको दो में SL हिट हुआ हमारा, एक SL हिट हुआ और एक 15 पॉइंट का लॉस हुआ, उसके बाद जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। देखो सुनो ध्यान से, 44,200 फुट ऑप्शन 36 पॉइंट, 44,200 फुट ऑप्शन 152 पॉइंट, मैंने इसका टारगेट ओपन रखा था, स्टॉप लॉस ट्रेल करवाते करवाते 150 पॉइंट का हमको गेन हुआ, जाके देखना। 19 मैंने फिर पुट ऑप्शन दिया 19,600 निफ्टी का, 19,600 का पुट ऑप्शन 23 पॉइंट, 19,600 का पुट ऑप्शन मैंने फिर से दिया, जिसमें हमको 11 पॉइंट देखने को मिले। बाकी ट्रेडर्स, मैंने मॉर्निंग में स्पॉट सेल दिया था कि 44,180 के नीचे रहेगा तो सेलिंग देखने को मिलेगा, 200 पॉइंट गया, मैं आपको दिखाता हूं। अब एक बात बताइए, जिसने मेरी बात सुन के स्पॉट एनालिसिस को देखा होगा, पुट ऑप्शन लिया होगा, पैसा बना कि नहीं बना, आप सोच के देखो, समझ रहे हो, मैं दिखाता हूं। देखो 9:34 मैंने क्या लिखा, अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता 44,180 के नीचे तो हमको शॉर्ट करके चलना है। अब इसमें से इसमें बच्चा भी अगर पुट ऑप्शन लिया होगा ना, उसका पैसा बना होगा, साफ सीधी बात है, बहुत सिंपल है। और वो तो छोड़ो, मैं लास्ट में पता मैंने लास्ट में क्या बोला, मैंने लास्ट में ये बोला कि अगर बैंक निफ्टी 43,970 के ऊपर सस्टेन करता तो 44,100 का लेवल दिखाएगा, 120 पॉइंट देखने को मिले। अब सोचो लास्ट में हमको अच्छा मोमेंटम मिला बाय साइड, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैंने 2:20 मैंने ये दिया था। तो कौन कहता है पैसा नहीं बनता, बस राइट गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, बस आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपायरी बहुत ही जबरदस्त रहा, ठीक है, आशा करता हूँ आपने भी जबरदस्त पैसा बनाया होगा। कल भी शानदार ऑप्शन ट्रेड दूंगा, फ्राइडे है, ठीक है, थोड़ा सतर्क रहेंगे, कल भी शानदार ऑप्शन ट्रेड दूंगा PTS ऐप पे और टेलीग्राम पे। हेलो हेलो, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जाके ज्वाइन करिए, नया टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि जो हमारा पुराना टेलीग्राम चैनल है वो हैक हो चुका है, जिसमें मेरी 3 साल की मेहनत थी, ठीक है, तो इस वाले को जरूर ज्वाइन करिए। और PTS ऐप को डाउनलोड कर लो, एंड्रॉइड iOS दोनों के लिए है, ठीक है। आज मैंने जितने भी ट्रेड दिए थे ना, ये PTS ऐप पे और टेलीग्राम पे दोनों पे दिए थे। ऑलराइट, तो देखो जी, BSE को बाय करके चलना है, एक तो BSE को बाय करके चलना 1083 के ऊपर, ठीक है, 1083, ठीक है, या तो बाय ऑन डिप लगभग 1000 के आसपास, ठीक है, अगर किसी वजह आता है तो। टाटा स्टील को बाय करके चलना है या तो 123.60 के ऊपर, या तो बाय ऑन डिप 121 के आसपास, दैट्स सो सिंपल। सरप्राइज ऑप्शन ट्रेड जान लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था, अगर बैंक निफ्टी
44,943,900 के नीचे तोड़ता है लेवल, तो वहां पे काम करना, सॉरी सॉरी जान लेते सरप्राइज ऑप्शन ट्रेड। तो मैंने क्या बताया आपको, बैंक निफ्टी 43,900 का लेवल तोड़ता है तो पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, उस केस में 44,000 का पी ले सकते हैं आप लोग। 7th of September वाली एक्सपायरी, ठीक है, ये आपको 240 से 250 के अबव लेना है, स्टॉप लॉस हो जाएगा 210 का, टारगेट होगा 270, 290, 330। बाकी आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, मिलता हूँ मैं, बाय बाय।